उत्तर प्रदेश के बलिया से विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का 22 साल बाद आखिरकार तलाक हो गया। इस तलाक के लिए 3 बार स्वाति सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी थी और आखिरकार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आगे एक रिश्ता 22 साल बाद कुर्बान हो गया। तलाक होने के बाद मंत्री दयाशंकर सिंह ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तलाक एक तरफा है। स्वाति सिंह की बढ़ी हुई राजनीतिक इच्छाएं इस तलाक के पीछे जिम्मेदार हैं। शंकर और उनकी पत्नी स्वाति सिंह दोनों ही एबीवीपी के विद्यार्थी थे और सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल थे। स्वाति सिंह इलाहाबाद से एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और उस समय दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र थे और दोनों ही राजनीति में सक्रिय थे। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और दोनों ने 18 मई 2001 में शादी करने का निर्णय लिया। शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में राजनीतिक वर्चस्व को चलते नफरतें बढ़ गई और साल 2012 में बात तलाक तक पहुंच गई। साल 2017 में दयाशंकर सिंह बीएसपी को लेकर और खासकर मायावती को लेकर दिए अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आए और बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। निष्कासित होने के बाद बीएसपी के लोगों ने दयाशंकर के बच्चों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद स्वाति सिंह ने सहानुभूति बटोरी और बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उन्हें तुरंत टिकट दे दिया और मंत्री बना दिया, लेकिन जैसे ही निष्कासन प्रक्रिया खत्म हुई मंत्री दयाशंकर सिंह की, तो उन्हें बलिया से दोबारा टिकट मिल गया और उन्हें परिवहन मंत्री भी बना दिया गया। साथ ही साथ स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। अब इस बात से बौखलाकर स्वाति सिंह ने दोबारा से कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी। कोर्ट ने इन दोनों के तलाक पर मोहर लगा दी और इसके बाद एक बड़ा बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा तलाक है और उन्होंने कभी भी तलाक के लिए अर्जी नहीं दी, लेकिन साथ ही साथ वो कोर्ट की तारीख पर भी नहीं गए। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को तलाक को मंजूरी दे दी। इस पूरी प्रक्रिया में ये बात ध्यान देने लायक है कि जिस वक्त स्वाति सिंह मंत्री पद पर बनी हुई थी, उस वक्त वो इस बात को भूल गई थी कि उन्हें तलाक लेना है, लेकिन जैसे ही उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी, अपने राजनीतिक वर्चस्व को खत्म होते देखकर सहानुभूति बटोरने के लिए स्वाति सिंह ने दोबारा तलाक की अर्जी दायर की और मंत्री दयाशंकर सिंह पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए। हाल फिलहाल मंत्री दयाशंकर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि यह एक तरफा तलाक है। हैरत की बात यह है कि राजनीति किस तरह का अजीब खेल है कि 2 बच्चे होने के बाद भी अपने वर्चस्व के लिए 22 साल पुराने रिश्ते को आखिरकार खत्म कर दिया गया।